नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें, खबर आगरा से आ रही है। श्री राम सिया सेवा दल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन संगठन के संरक्षक रजनी अग्रवाल के कार्यालय पर किया गया, जिसमें आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की वृद्ध रूपरेखा तैयार की गई। बता दें कि जिससे संजय प्लेस में आयोजित उत्तर भारत की प्रसिद्ध श्री राम बारात एवं जनकपुरी के कार्यक्रम में जनकपुरी स्थल पर आकस्मिक चिकित्सा शिविर की व्यवस्था संगठन द्वारा की जाएगी, जो कि आयोजन के पांचों दिवस 6 बजे शाम से 12 बजे तक सेवाएं प्रदान करेगा। दशहरे पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम, तोता तालाब की प्रसिद्ध दशहरा शोभा यात्रा में श्री राम दरबार की झांकी संगठन के द्वारा प्रस्तावित है। इस बैठक में उक्त सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लिया गया। कार्यक्रम का संचालन संगठन के महासचिव नरेश गोस्वामी ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से संरक्षक श्रीमती रंजनी अग्रवाल, लोकेश भदौरिया, अमित राज सिंह आदि तमाम लोग उपस्थित रहे। सह महासचिव आलोक जैन ने नवीन पदाधिकारियों को संगठन में दायित्व प्रदान किया एवं सभी पदाधिकारियों को संगठन में सहयोग हेतु धन्यवाद प्रेषित किया। संगठन का विस्तार संगठन द्वारा किया गया, संगठन का विस्तार भैया शांत हो जाना। मैं ये राम सिया सेवा दल, ये अब हमने एक ये छोटे छोटे उसमें संगठन में बटा हुआ था, अब हमने सब बड़े उसमें एक होकर हम काम कर रहे हैं। और ये हम कम से कम 15-20 साल से काम कर रहे हैं। पहले हम बैंक द्वारा लोगों को खाना बांटते थे, 5 रुपये पर थाली हम सबको देते थे, जो गरीब भी जिसको स्वाभिमान को भी चोट ना पहुंचे और सब खाना भी खा सके। इसी तरीके से विधवा लोगों को विधवा पेंशन करवाई, और जो लड़कियां होती हैं सड़कों पे जाती हैं उनको परेशानी होती है, लड़के परेशान करते हैं, तो हमारे ये दल के लोग हैं ना तुरंत वहाँ पहुँच कर लड़कियों को सहायता करते हैं। तो जिस तरीके की भी सहायता की जरूरत होती है, लड़कियों की शादी करवाई है, जो गरीब लड़कियां होती हैं उनकी शादियां करवाई हैं, मतलब हर काम में हमारा ये दल हर चीज में आगे बढ़ रहा है। और सिया दल अब संयुक्त दल बन गया है। हाँ, संयुक्त दल बन गया है। अब क्या रहेगी इनकी जिम्मेदारी, किस तरह से अब कार्य रहेगा इनका? अब हम सब मिलके और ज्यादा ऑनलाइन भी कर रहे हैं, जिससे हमारे पास फोन से लोग कॉन्टेक्ट करें और हम तुरंत पहुँच जाए। जिस भी नंबर कुछ हमने वो करे हैं तो तुरंत मिलाएंगे, तो हमारा ये दल है तुरंत अवेलेबल होगा। आज राम सिया सेवा दल में आज आपको विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? राम सिया दल का जो संगठन जो चल रहा है अभी, तो ये आगरा के अंदर अभी निम्न स्तर पर शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे 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 ये एक बड़ा रूप वट वृक्ष के रूप में बनता जा रहा है। जैसा कि विगत मालूम है कि अभी उत्तर भारत की प्रसिद्ध जनकपुरी महोत्सव राम बारात महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, तो उसमें आज ये निर्णय लिया गया है सर्वसम्मति से कि उसमें एक मेडिकल कैंप लगाया जाएगा, जो कि असहाय लोग जो उसमें चोट लग जाए या किसी प्रकार की कोई हानि, भगवान न करे ऐसी कोई हानि, उसके लिए तत्काल सेवा हम लोग वहाँ पर उपस्थित कराएंगे ऐसा अभी। और इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में भी, वो भी इसमें सम्मिलित है, और जो विधवा महिलाएं उन लोगों को भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसा राम सिया दल अभी मेट्रिक्स के रूप में धीरे धीरे और बड़ा होता है। ठीक है, कहना चाहेंगे जिस तरह से आप अभी तक संगठन को चला रहे थे, अब आपका एक संयुक्त दल बन गया है, किस तरह का जिम्मेदारी आप लोग रहेगी और क्या नया करने जा रहे हैं? सर्वप्रथम को सभी को जय श्री राम। देखिए, संगठन जो हम ये करीब जो सेवा कार्य हमारा कोई नया नहीं है, हम काफी समय से इस कार्य में लगे हुए हैं और जन जन तक जो भी हमसे संभव होता है वो लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। पहली चीज की क्या है कि जो हमारी आगामी योजना है, जैसा कि आपको पहले कार्यक्रम में जिस दिन संगठन का गठन हुआ था हमने थोड़ी सी एक विस्तृत चर्चा करके हमने जानकारी दी कि हम यारा संगठन सड़क पे ही नहीं, हमारा संगठन ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी से भी सपोर्ट करने वाला है। जैसे कि हम अभी एक मोबाइल ऐप पे काम कर रहे हैं, जिस मोबाइल ऐप में हमने उस मोबाइल ऐप को डेवलप किया है, जिसमें कई 3-4 तरह की चीजें रहेंगी। पहला पार्ट है उसका एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, और एक सेंट्रलाइज नंबर भी हम इश्यू करेंगे जिसके थ्रू वो सब कार्य होंगे। जैसे कि भैया, हमने एक एप्लीकेशन बनाई है भैया में, हमारी जो टीम है जिसमें कि वरिष्ठ 4 अधिवक्ता है, मेल 4 फीमेल है, और फीमेल डॉक्टर्स हैं, मेल डॉक्टर्स हैं, और कुछ हमारे साथ प्रेस के भी लोग हैं जो कि हमारी सहायता के लिए तत्पर है। तो
इन लोगों को जोड़ने का मकसद ये है कि जिसके भी बालिका के साथ अगर मान लीजिए कोई अप्रिय घटना घटती है तो उस कंडीशन में ये जो भैया एप्लीकेशन है ये उसको बहुत सपोर्ट पहुंचाएगी। निशुल्क सेवा रहेगी ये सर? बिल्कुल निशुल्क ही रहेगी, क्योंकि जो सेवा कार्य तो हमेशा निशुल्क ही होता है। अगर सेवा का भी पैसा अगर कोई लेने लगा तो फिर वो सेवा नहीं है, मेवा है। हमारी को समझ ये है। आज क्या विशेष किया है आपने? आज विशेष है क्योंकि पहली चीज को आपको जैसे कि सभी को जानकारी है कि आगामी जो महीना है जो सब सारे प्रभु श्री राम के सारे त्योहार आने वाले हैं, जिसमें कि उत्तर भारत की प्रसिद्ध जनकपुरी का आयोजन है आगरा में, तो उसमें संगठन की ओर से हम एक आकस्मिक चिकित्सा शिविर का लगाने का हमारा प्रस्ताव है। और जो दशहरे का कार्यक्रम है उसमें हमारा एक झांकी का भी आयोजन का प्रोग्राम है। तो इन्हीं सब चीजों की और आज संगठन का भी विस्तार किया गया, नए डायरेक्टर दिए गए हैं लोगों को और जो हमारे नए पदाधिकारी जुड़े हैं वो संगठन को बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे और राष्ट्र और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे।